हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लख गुरु कार्यक्रम। लख गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रगति होगी, आपके नौकरी का क्षेत्र क्या होगा, पदोन्नति कब होगी, मीडिया के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं, आपकी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, ये सब बातें आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें, और जो भी आप प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप जरूर लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सशक्त होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है, लिटिगेशन है, तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शंस में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और साझेदारी में व्यापार करने से बचना है और किसी अज्ञात व्यक्ति से किसी प्रकार का डील करने से बचे, नहीं तो आज आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी कहीं डिस्प्यूटेड ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और पूंजी निवेश के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यदि आप कोल माइंस में या पेट्रोलियम के फील्ड में या निर्माण के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अपने भाषा पर ध्यान दें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ न करें। अपने आचरण और व्यवहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई बार अपने व्यवहार के नाते आप अपनों के बीच में अकेले जैसे महसूस करते हैं, तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसको अगर आप करते हैं तो आपका एक अच्छा रहेगा। आपको सेल्फ में रिव्यू करनी चाहिए, जो अच्छाई है उसको बढ़ाना चाहिए और जो नेगेटिविटी है उसको डिलीट करना चाहिए। आपके कुछ पुराने मित्र मिलेंगे जिनके मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश में करियर निर्धारित करना चाहते हैं, खेल खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन आपका अच्छा है और इनकम का जरिया बढ़ेगा। विभिन्न प्रकार के स्रोत से धनागम का भी योग बन रहा है। आय से अधिक व्यय होने से थोड़ा मन चिंतित भी हो सकता है, तो आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करें। नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, भाई बहनों का सुख मिलेगा। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको गुस्सा नहीं करना है और बहुत ही सोच समझ करके किसी भी निर्णय को लें। और आज आपको उपाय क्या करना, उपाय करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा, इस मंत्र को करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी माली हालत अच्छी होगी। और आज आपके लिए शुभ अंक है एक और शुभ रंग है आपका पीच कलर। हरे कृष्ण।